नूरपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्यों ने एक अभियान चलाया, जिसमें युवाओं ने ये संकल्प लिया कि वे नूरपुर शहर को कोरोना मुक्त बनाने के लिए अगले एक महीना नूरपुर की हर एक पालिक जगह को सैनिटाइज करेंगे और नूरपुर को कोरोना मुक्त बनाएंगे। इसकी शुरुआत नूरपुर अस्पताल से हुई, जिसमें मुख्य रूप से नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया मौजूद रहे। मरीजों को फल, सैनिटाइज मास्क बांटे गए और पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। ऐसे में विधायक राकेश पठानिया ने युवाओं का पूरा साथ देते हुए उन्हें 2000 मास्क व 2000 सैनिटाइजर दिए। विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि जिस प्रकार नूरपुर शहर के युवा आगे आए हैं, ये सराहनीय है और मैं पूरी तरह से इन युवाओं के साथ हूँ। इन्हें जिस भी चीज की जब भी जरूरत होगी, वे हर समय तैयार हैं। युवा नेता भवानी पठानिया ने कहा कि हम सब युवा ऐसे ही आगे भी अपने नूरपुर को कोरोना मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे और भाजपा के सभी युवा हमेशा की तरह इस बार भी इस लड़ाई से जीत कर ही रहेंगे। युवा मोर्चा के बच्चों का जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस इनिशिएटिव के तहत जो युवा मोर्चा की नूरपुर शहर की टीम है, इन्होंने आज ये बेड़ा उठाया है कि आज हॉस्पिटल को सैनिटाइज करेंगे, फल बांटेंगे और साथ में सैनिटाइजर बांटेंगे। और इसी तरीके से कल ये परसों ये बस स्टैंड का करने वाले हैं, उसके बाद सेक्रेट का करने वाले हैं। जहाँ जहाँ पे पब्लिक का इकट्ठ होता है, जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे एक आम जानस का आना जाना होता है, वहाँ पे इन बच्चों ने ये एक परिश्रम किया है और एक प्रयास किया है, जिसकी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो अभियान इनका जो है नूपुर शहर में चलने वाला, उसके तहत मैं ही इनको जो है कोई 5000 सैनिटाइजर की फीस देने वाला हूँ। आज 2-3 पेटियाँ दी हैं, कल वोट देंगे। इनको लगातार किसी मटीरियल की कमी नहीं आएगी, इस बात का मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ। और आज मास्क भी हमने इनको दिए, इन्होंने खुद भी खुद अरेंजमेंट किया है और इसको किसी किस्म की कमी ना आए इस टीम को। जो जो इनको जरूरत पड़ेगी वो मुझे बताएंगे और उनको सामान इनको पहुँचेगा, ताकि इसी तरीके से ये जो है नूपुर शहर की सेवा कर सके। मैं इनको एक बार से बताऊँगा, रूटीन में होगा, रूटीन में होता रहेगा जी, जब तक सारे पब्लिक प्लेसेस का बना।